हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लेके आई हूँ अंडा मसाला करी की रेसिपी। बहुत ही सिंपल रेसिपी है वैसे तो ये, लेकिन आज मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी जिससे कि आपकी ग्रेवी बहुत ज़्यादा अच्छी बनेगी। और लिए अंडा मसाला बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने लिए हैं 4 बॉईल किए हुए अंडे। इनमें मैं फोक की हेल्प से ऐसे हल्के हल्के होल कर लूँगी ताकि जब हम इन्हें फ्राई करें तो ये चटके नहीं। यहाँ पर मैंने कढ़ाई में डाला 1 चम्मच जितना तेल। तेल के गर्म होते ही मैं इसमें डालूंगी 1/4 चम्मच रेड चिली पाउडर और 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। इसे मिक्स कर लेना है। ये मैंने मिक्स कर लिया। अब मैं इसमें डालूंगी ये बॉईल किए हुए अंडे और तब तक इन्हें फ्राई करें जब तक कि इसमें ब्राउन लेयर ना आ जाए। मीडियम फ्लेम पे ही इसे फ्राई करें। इधर आप देख सकते हैं अंडों में ब्राउन लेयर आ चुकी है, मैं इन्हें निकाल लूंगी। ये देखिए, अब मैं सेम कढ़ाई में डालूंगी 1 चम्मच जितना तेल। तेल का यूज मैं कम करूंगी, अगर आप चाहें तो अपने हिसाब से तेल का यूज कर सकते हैं। तेल के गर्म होते ही मैंने इसमें डाला 1/4 चम्मच साबुत जीरा। जीरे को थोड़ा फ्राई होने देंगे। इधर जीरा हमारा फ्राई हो चुका है, अब मैं इसमें ऐड करूंगी बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज को यहाँ पर हमें बहुत अच्छी तरीके से भूनना है। जितना आप प्याज को भून के चलाते हुए भूनेंगे तो आपकी ग्रेवी बहुत अच्छी बनेगी और टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। इधर आप देख सकते हैं प्याज थोड़ा सा भून चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट और इसे भी चलाते हुए प्याज के साथ मिक्स करते हुए भून लेंगे। अब मैं इसमें डाल लूंगी 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई। थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे ताकि प्याज जले नहीं। क्या होता है ना, जब हम प्याज को ज्यादा भूनते हैं तो वो जलना स्टार्ट हो जाता है, इसलिए हमने थोड़ा पानी का यूज किया है। अब मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज के टमाटर की प्यूरी ली हुई है, इसे मैंने मिक्सर ग्राइंडर में पीस लिया था। अब मैं इसमें डाल लूंगी नमक। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार ही डालें, जैसा भी आपको अच्छा लगे। और इसे ऐसे चलाते हुए हमें पका लेना है। 2 मिनट के लिए ढक के पका लेंगे ताकि टमाटर जल्दी पक जाए। 2 मिनट के बाद ढक्कन उठाऊंगी। इधर आप देख सकते हैं टमाटर बहुत अच्छी तरीके से पक चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच यहाँ पर मैंने लिया है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। 1 चम्मच धनिया पाउडर लिया हुआ है, इसके साथ ही 1/2 चम्मच जीरा पाउडर और एक गरम मसाला पाउडर 1/2 चम्मच, काली मिर्च का पाउडर 1/4 चम्मच और साथ ही ली हुई है कसूरी मेथी। इसे डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और सारे मसालों को चलाते हुए पका लेंगे। ध्यान रखें मसाले को आप बहुत ज़्यादा अच्छी तरह चलाते हुए पकाएं। थोड़ा पानी ऐड करते हुए फिर से मसाले को चला लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने मसाले को बहुत अच्छी तरह पका लिया है। अब सीक्रेट पॉइंट जो है वो है ये आलू। मैंने बॉईल किया हुआ आलू लिया हुआ है और इसे मैश करते हुए हमें इस मसाले के साथ मिक्स कर लेना है। दोस्तों बहुत अच्छी ट्रिक है ये, इससे ग्रेवी में बहुत अच्छा टेस्ट तो आ ही जाता है लेकिन आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने ग्रेवी में आलू ऐड किया है और ग्रेवी भी बहुत अच्छी बन जाती है। इसे ऐसे मैश करते हुए मिक्स कर लेंगे। ये बहुत अच्छी तरीके से मैंने मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें ऐड कर लूँगी पानी। पानी आप अपने हिसाब से ऐड करें, जितना ज़्यादा आपको पानी चाहिए या जितनी ग्रेवी आपको चाहिए उसी के हिसाब से इसमें पानी को ऐड करें। मिला लिया मैंने इसे। थोड़ा पानी और ऐड कर लूँगी। मिक्स कर लिया। अब मैं इसे 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर ढक के पकाऊंगी। 4 से 5 मिनट के बाद मैंने ढक्कन उठाया। आप देख सकते हैं बहुत अच्छी ग्रेवी बनके तैयार हो चुकी है इसकी। अब मैं ये बॉईल किए हुए जो अंडे मैंने फ्राई किए हुए हैं उसे ऐड कर लेते हैं। मिक्स कर लेंगे। थोड़ा धनिया पत्ती डाल लेंगे ऊपर से।
देखिए, ये अंडा करी बन के बिल्कुल तैयार हो चुकी है। कितनी अच्छी ग्रेवी बनी हुई है इसकी। अब मैं इसे सर्व कर लूंगी। इधर आप देख सकते हैं कितनी अच्छी एग मसाला करी हमारी बनके तैयार हो चुकी है। अगर आपको ये पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।